दो दिन पहले मैंने एक फोन कॉल रिसीव किया। वहां से सवाल आता है, सर पेपर नहीं निकल रहा, क्या मैं प्रिपरेशन छोड़ दूं? सर अब घर वालों से भी पैसे मांगने में ठीक नहीं लग रहा है, क्या मेरे से पेपर नहीं निकल पाएगा? डायरेक्ट ये सवाल सुनने पर भी मैं भी एक दो सेकंड के लिए चुप ही रहा कि मैं क्या बताऊं। फिर मैंने करीब एक घंटा व्यतीत किया स्टूडेंट के साथ, जानने की कोशिश करी कि उनकी जर्नी में क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, किस सिचुएशन में कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकते हैं जो एक स्टूडेंट अपनी तैयारी में करता है। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी कुछ एग्जाम्स क्रैक किए हैं, कुछ एग्जाम्स में फेल हुआ हूं, उसके बाद ही बहुत सारी चीजें सीख पाया हूं। आइए इस वीडियो को क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगा और CSIR नेट दिसंबर 2024 एग्जाम को टारगेट करने वाले एस्पायरेंट्स क्या गलतियां कर सकते हैं और उनको क्या चीजें करनी चाहिए इस करंट समय में, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहला, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर या पूरे 6 महीने सिर्फ नोट्स ही बनाते रह जाते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आंखें खोल लीजिए, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको बैक हैंड पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। बिना उसके हो ही नहीं सकता, आप मेरे से लिख के ले लीजिए। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही बनाए जा रहे हैं, कभी इस टीचर के नोट्स बना लिए, कभी उस टीचर के नोट्स बना लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नोट्स रखिए और उसी नोट्स को बार 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 रिवाइज करिए। अगर आपने इससे पहले कोई नोट्स बनाए थे, आपको तब समझ में आया था, आप उन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़िए। उसी में कुछ ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लीजिए और फिर क्वेश्चंस पे जंप करिए, अपने पढ़ी गए नॉलेज को अप्लाई करना सीखिए। अगर आप इस गैप को कम कर सकते हैं तो आप सही रास्ते पे चल पड़ेंगे। दूसरा कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है, CSIR नेट एग्जाम में एप्टीट्यूड पोर्शन को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देना। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। अगर आप केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया हैं तब तो करोगे तो मैं मानूंगा, लेकिन मुझे पता है आप कितने पानी में खड़े हैं। अगर एप्टीट्यूड से 10 नंबर भी आप निकाल पाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि कम से कम 6 से 7 नंबर तो एप्टीट्यूड में आए ही आए, और फिर उसके बाद जितना ज्यादा मिलेगा वो तो बोनस है। पर ये होगा कैसे सर, हमें तो एप्टीट्यूड समझ में नहीं आता, पढ़े कहां से? कुछ मत करिए, आप सिंपली YouTube चैनल फॉलो करिए, वहां से कुछ चीजें सीखिए। आपके पास सोर्सेस नहीं अवेलेबल हैं, आप हमारे दिनेश सर ने हाल ही में YouTube चैनल IFS का जो एप्टीट्यूड चैनल है वो CSIR नेट डिवोटेड चैनल है, उस पर उन्होंने पजल्स, क्वांटिटी कंपेरिजन, परसेंटेज, ऐसे टॉपिक्स नेट के निकाल रखे हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। आप अभी का समय अगर यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये सबसे राइट टाइम होगा, क्योंकि 1-2 महीने पहले तो केमिस्ट्री को समय देना पड़ेगा। तो अभी समय है कि आप एप्टीट्यूड वाले पोर्शन पे थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं, कंप्लीटली ब्लंटली नहीं छोड़ना है। जो बच्चे 90 नंबर पे रुक रहे हैं, जो बच्चे 95 नंबर पे रुक रहे हैं, क्या ये आपका नया पार नहीं लगा देगा? तो आपको थोड़ा सोचना है। यहां से कुछ टॉपिक्स पिक करिए, पूरा पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, ठीक है, आप ये फॉलो कर सकते हैं। प्लस आगे बढ़ते वक्त मॉक टेस्ट ना देना, या मॉक टेस्ट देना पर उसको एनालाइज नहीं करना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट करेंगे कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना सबसे पेनफुल टास्क होता है, मानते हैं या नहीं? मानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। मॉक टेस्ट देने में बहुत मजा आता है, लेकिन उसके बाद जब एनालाइज करने की बारी आती है तो सर मौत आती है। लेकिन अपने आप को समझाइए, बुझाइए, बैठाइए और 1-1.5 घंटा निकालिए और उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए। एनालाइज कैसे करते हैं इसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, तो उसको किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। एनालाइज करना है मॉक टेस्ट, वही मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। विदाउट सॉल्यूशन मॉक टेस्ट को हाथ भी मत लगाइए, वरना और डाउट क्रिएट होएगा और आप और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे।
आपको सिंप्लीफाई करना है अपना रास्ता। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्मॉल टॉपिक्स। अरे जीओसी को उतना ही पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे बढ़ो। ये पता ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का है। अरे रिएजेंट्स पे करो ना टाइम स्पेंड जितना करना है। क्यों पढ़े हो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के पीछे, क्यों पढ़े हो नेचुरल प्रोडक्ट्स के पीछे। कम समय में अच्छा पढ़ के भी स्कोर किया जा सकता है, लेकिन समय सही जगह स्पेंड करना सीखिए। मेन ग्रुप जैसा टॉपिक जो बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए समय बहुत लगेगा और पता नहीं वहां से गेन कितना होगा, लेकिन आप उसको याद करने के पीछे पड़े क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है। अगर उसके जगह आप छोटा सा बायो इनऑर्गेनिक याद कर लेंगे तो वो उस कम से कम वहां से 8 या 6 नंबर तो सिक्योर कर लेंगे। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए, कम समय स्पेंड करिए उन टॉपिक्स पे जो छोटे हैं, ज्यादा समय स्पेंड करिए उन टॉपिक्स पे जो हाई स्कोरिंग टॉपिक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पकड़ा था जो हाई स्कोरिंग होते हैं बस, और सब छोड़ दिया था मैंने। तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि भाई हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को पकड़ के भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, तो इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। बहुत बार जब आप साथ में क्लास में पढ़ रहे होते हैं या ऑफलाइन क्लास में होते हैं या ऑनलाइन में भी आप क्लासेस लेते हैं, आप नोटिस करते हैं कि दूसरे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आंसर्स दे रहे हैं पर आप नहीं दे पा रहे हैं। अपने आप को कंपेयर करना बंद करिए। रेस में कौन कब से भागना चालू कर रहा है, इस चीज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप कंपेयर करके ही अपने कॉन्फिडेंस को मार दोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आप सिर्फ अपने आप से कंपैरिजन करिए कि आप एक हफ्ते पहले जो थे क्या अब कुछ बेटरमेंट हुआ है, क्या अब जब आप कॉपी पेन उठाते हैं तो क्वेश्चंस चलना चालू हुए हैं, क्या नोट्स समझ में आने लगे हैं। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना, अपने डेली रूटीन को बनाना है, वही मैटर करेगा। रात में सोने से पहले यू नीड टू प्रिपेयर अ लिस्ट कि अगले दिन क्या क्या टास्क करने हैं, दैट्स इट। अपनी चीजों को डेली बेसिस पे तोड़ दीजिए। सोचना ही नहीं है एक महीने बाद क्या होगा, आपको कल क्या होगा ये सोचना है। तो कंपेयर करके अपने कॉन्फिडेंस को बेफिजूल में गिराना नहीं है। मूविंग अहेड, स्टे इन टच विथ योर मेंटर। एक बार ये जरूर देखिए कि जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हो या जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो वो आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर कोई आपको गाइड करने वाला है तो उनके साथ अपने डाउट्स शेयर करिए। ये प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर ये दिक्कत आ रही है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मॉक टेस्ट में कौन से टॉपिक्स पहले लगाने हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए क्योंकि वो रास्ता वो पहले चल चुके हैं, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे उस रास्ते पे चलने के लिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। प्लस अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रिजल्ट का वेट किए जा रहे हैं, भाई रिस्पॉन्स शीट आपके हाथ में है, आप कितने पानी में खड़े हैं आपको पता है, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं। ये 90 दिन में बहुत कुछ बदला जा सकता है, तो टेक इनिशिएटिव्स। रिस्पॉन्स शीट से मार्क्स कैलकुलेट कर चुके हैं, आपने रैंक प्रिडिक्टर से रैंक और ये भी देख लिया कि नेट क्वालिफाई हो रहा है, जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है या नहीं, आपने तमाम YouTube चैनल्स पर जाके कट ऑफ भी देख ली है, पर अगर ये 90 दिन खो दोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो हर एक दिन काउंट करता है, और पढ़ते रहना से कुछ नुकसान तो होगा नहीं, तो लगातार बने रहिए। अरे हो जाएगा तो छोड़ देना, गेट का भी तो एग्जाम आ रहा है, गेट के लिए पढ़ेंगे भाई। तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत होने दीजिए कि रिजल्ट आएगा तब करेंगे। एक इवेंट को इतना बड़ा मत बना दीजिए कि उसके वजह से बाकी इवेंट्स खराब हो जाए। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स। यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने, मुझे यूज लगा कि आपके साथ ये बताने चाहिए। इसमें से जो जो आप इनपुट निकाल सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से उसे निकालिए और उसे फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आप तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं,
आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते प्रैक्टिस करने के लिए, हमने एक इनिशिएटिव लिया है, हमने अपनी वेबसाइट पर फिजिकल के भी क्वेश्चंस अपलोड कराए टेस्ट के फॉर्म में, आप ये भी देख सकते हो। यहीं पे आपको इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, ओएमसी जैसे टॉपिक्स के, प्लस ऑर्गेनिक के तो मैंने पर्सनली रेफरेंस किताब के सवाल निकाले हैं, उनके सॉल्यूशंस टेलीग्राम चैनल पे डलवाए हैं, तो आप इसका भी बेनिफिट उठाएं, एक बार देखें, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू। और आपको कोई डाउट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ बने रहेंगे तो मैं श्योर शॉट कह सकता हूं कि आपको पेपर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। बस जो मिस्टेक्स आप करते हैं, जो मैंने बताई हैं, वो नहीं करनी है। मॉक टेस्ट को सीरियसली लीजिए। और अभी क्यों इंतजार कर रहे हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है तो क्यों नहीं उसका मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लेते हैं, तो वो गैप मत आने दीजिए, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।